नफ्सियात के मुताबिक जो औरत अपने शोहर के पैसे की हिफाजत करती है वो नेक होती है, जो औरत शोहर के पैसे से प्यार करती है वो बेवफा होती है, जो औरत पैसे को हमेशा फजूल ज़ाया करती है और फजूल कामों में लगाती है उनकी औलाद निकम्मी होती है, जो औरत शोहर के पैसों से किसी की मदद करती है वो दिल की सख्त होती है, जो औरत गरीब शोहर का साथ देती है वो औरत अल्लाह के ज़्यादा करीब होती है। साइकोलॉजी के मुताबिक औरत को पहचानने के राज, जो औरत अपने शोहर के साथ नौकरी करती है वो सब्र वाली होती है, जो औरत अपने शोहर के साथ लड़ना शुक्री होती है, जो बाहर जाती है वो दीन से दूर होती है, जो औरत हर वक्त खाना बाहर से खाती है वो बहुत सुस्त होती है, जिस औरत का घर साफ रहता है उनके बच्चे ज़हीन होते हैं। चार चीज़ें औरत को मर्द से दूर कर देती हैं। जब मर्द से औरत को तवज्जो ना मिले, जब मर्द अपनी गलती होने के बावजूद गलती को तस्लीम ना करे, जिस वक़्त औरत को मर्द की ज़रूरत हो और मर्द उसे तन्हा छोड़ दे, जब मर्द औरत की तारीफ़ और तहसीन करना छोड़ दे। बदनसीब बीवी, तीन बातें जिसमें हो वो कभी अच्छी बीवी नहीं बन सकती। पीठ पीछे अपने शोहर और ख़ानदान की बुराई करने वाली, शोहर की बात को अहमियत कम देना और अपनी बात को मनवाने वाली, बद ज़बान जो बात बात पर शोहर से उलझे और उसकी हर बात में नुक्स निकाले। जो औरत आपसे अपनी एक बात छुपाती हो तो समझ जाना वो तुम पे मरती है मगर जाहिर नहीं करती। जो औरत आपसे अपनी वो बातें छुपाती हो जो आप पसंद नहीं करते, समझ जाना कि वो तुम पर मरती है मगर जाहिर नहीं करती, क्योंकि वो तुम्हें खोने से डरती है। नफ्सियात के मुताबिक जिस औरत के बाल गिरने लग जाएं तो समझ जाना कि वो औरत परेशान रहती है। जब कोई औरत तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारे लिए तड़पती है, तो वो आपसे अकेले में ये ज़रूर पूछती है कि क्या आप भी मुझे पसंद करते हो, अगर करते हो तो मुझसे निकाह करो।